बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टर्मिनोलॉजीज़ रिलेटेड टू जेल्स। फर्स्ट इज़ इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन एक प्रोसेस है जिसमें जेल जो है सर्टेन क्वांटिटी ऑफ लिक्विड को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज नहीं होता, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। जबकि स्वेलिंग जो प्रोसेस है जिसमें जेल जो है कुछ क्वांटिटी लिक्विड की एब्जॉर्ब करता है और उसकी वजह से उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। देन थर्ड इज़ थिक्सोट्रॉफी। थिक्सोट्रॉफी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि थिक्सोट्रॉफी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें ड्यूरिंग मिक्सिंग जेल जो है वो कोलोइडल सोल में कन्वर्ट हो जाता है और फिर कुछ टाइम बाद वो कोलोइडल सोल दोबारा जेल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो है नॉन न्यूटोनियन फ्लो की टाइप है। देन सिनेरियसिस। सिनेरियसिस जो प्रोसेस है वो एक्वस और नॉन एक्वस जेल की इनस्टेबिलिटी है। ड्यूरिंग स्टोरेज डिस्पर्स फेज के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि डिस्पर्जन मीडियम जो है, जो लिक्विड है, वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में अपने जेल से स्क्वीज आउट हो जाएगा और जेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे सिनेरियसिस। देन ज़ीरो जेल। ज़ीरो जेल एक तरह की फॉर्मूलेशन है जिसमें हम जेल में से अगर कंप्लीट लिक्विड जो है वो रिमूव आउट करवा दें तो जो रिमेनिंग फ्रेमवर्क बचेगा उसे हम कहेंगे ज़ीरो जेल, जिसकी एग्जांपल्स हैं जेलेटिन शीट्स और ट्रैगाकैंथ रिबन्स। यानी जेलेटिन की अगर हम जेल्स प्रिपेयर करें और उस जेल्स में से अगर वाटर को या लिक्विड को एवापोरेट करवा दें तो जो रिमेनिंग शीट्स बचेंगी उन्हें हम कहेंगे जेलेटिन शीट्स, और ये हम यूज़ करते हैं फिर सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स की प्रिपरेशन में। देन क्लासिफिकेशन ऑफ जेल्स। जेल्स को क्लासिफाई करने के डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। पहली जो क्लासिफिकेशंस हैं उसमें हमने जेल्स को दो क्लासेस में क्लासिफाई किया है। पहली है इनऑर्गेनिक जेल्स और सेकंड है ऑर्गेनिक जेल्स। जब हमने जेल्स की डेफिनेशन डिस्कस की थी तो उसमें हमने ये देखा था कि जेल्स जो हैं वो सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस हैं जिसमें जो डिस्पर्स फेस है वो दो टाइप्स के हैं। एक हमारे पास थे स्मॉल इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स और सेकंड थे लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और जो स्मॉल इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स थे वो बायफेसिक जेल्स में कन्वर्ट होते हैं, उसकी प्रिपरेशन करते हैं, जिन्हें हम मैग्मास भी कहते हैं। और जो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे वो सिंगल फेस जेल्स बनाते हैं। उसी क्राइटेरिया के ऊपर हमने जेल्स को दो क्लासेस में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट है इनऑर्गेनिक जेल्स। इनऑर्गेनिक जेल्स बेसिकली टू फेस सिस्टम है जो कि इनका डिस्पर्स फेस वही स्मॉल इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं, जिनकी एग्जांपल्स हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल्स एंड बेंटोनाइट मैग्मा। इनऑर्गेनिक जेल्स जो होते हैं यूजुअली मैग्माज होते हैं। सेकंड क्लास हमारे पास है ऑर्गेनिक जेल्स। ऑर्गेनिक जेल्स सिंगल फेस सिस्टम्स हैं जिसका डिस्पर्स फेस लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि एज अ जेलिंग एजेंट एक्ट करेंगे, जैसे कि कार्बोमर है, ट्रैगाकैंथ है या फिर प्लास्टिक बेस है, जो कि ऑर्गेनिक लिक्विड्स में इजीली डिसॉल्व होती हैं। देन सेकंड क्राइटेरिया है जेल्स की क्लासिफिकेशंस का, जो कि है हाइड्रोजेल्स एंड ऑर्गेनोजेल्स। बेसिकली इस क्लासिफिकेशन में हमने जेल्स को इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया है कि जो कोलॉइड्स हैं या जेलिंग एजेंट हैं या फिर जिन्हें हम कह रहे हैं डिस्पर्स फेस,
वो किस डिस्पर्जन मीडियम के साथ इजीली इंटरेक्ट कर रहे हैं। जैसे पहली क्लास है हाइड्रोजेल्स, हाइड्रोजेल्स में जो डिस्पर्स फेस हैं या जो कोलॉइड्स हैं वो बेसिकली हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स हैं जो कि एक्वस मीडियम में इजीली जो है वो इंटरेक्ट करेंगे। हाइड्रोजेल्स की जो जेल्स हैं उनमें ऑर्गेनिक हाइड्रोजेल्स हैं जिसमें डिस्पर्स फेस लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे। इसके अलावा नेचुरल एंड सिंथेटिक गम्स शामिल हैं। इसके अलावा इनऑर्गेनिक हाइड्रोजेल्स हैं जिसमें डिस्पर्स फेस स्मॉल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे। इसकी एग्जांपल्स हैं सिलिका, बेंटोनाइट, ट्रगाकैंथ, पेक्टिन, सोडियम एल्जिनेट, मिथाइल सेलुलोज, सोडियम सीएमसी, एल्यूमिना एक्सेट्रा, जो कि हाई कंसंट्रेशन में सेमी सॉलिड जेल्स की प्रिपरेशन में यूज़ होते हैं। सोडियम एल्जिनेट की मदद से जो हम जेल प्रिपेयर करते हैं वो हम ऑइंटमेंट बेस के लिए उसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो कमर्शियल सेलुलोज हैं जैसे कि मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सीथाइल सेलुलोज, सोडियम सीएमसी यानी सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, ये मार्केट में डिफरेंट इनके ग्रेड्स अवेलेबल्स हैं, हाई, मीडियम और लो। और ये जो ग्रेड्स डिफ़ाइन किए गए हैं ये इनकी विस्कोसिटी इंक्रीजिंग कैपेसिटी के ऊपर जो है वो डिस्क्राइब किए गए हैं। और इनसे जो जेल्स प्रिपेयर होते हैं ये भी जो है ऑइंटमेंट बेसिस में यूज़ होते हैं। देन ऑर्गेनोजेल्स, ऑर्गेनोजेल्स की प्रिपरेशन में हम ऐसे डिस्पर्स फेस को यूज़ करेंगे जो कि लायोफोबिक नेचर का होगा या फिर हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा, यानी जो वाटर के साथ या अपने सॉल्वेंट के साथ इजीली इंटरेक्ट नहीं करेगा। और ये वो डिस्पर्स फेस होंगे जो कि ऑर्गेनिक लिक्विड्स के साथ ईज़िली जो है अपना अट्रैक्शन या इंट्रैक्शन जो है वो प्रोड्यूस करेगा और जेल फॉर्म करेगा। जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स, एनिमल एंड वेजिटेबल फैट्स, सोप बेस, ग्रीस एंड हाइड्रोफिलिक ऑर्गेनोजेल्स। हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि जेलिन और प्लास्टी बेस जो है वो कॉम्बिनेशन है मिनरल ऑयल्स और हैवी हाइड्रोकार्बन वैक्सेस का जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1300 डेल्टन्स होता है। ऑर्गेनोजेल्स की एक एग्जांपल है पेट्रोलेटम। पेट्रोलेटम एक जेल प्रोडक्ट है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग में प्रोटो सब्सटेंस और क्रिस्टलाइन वैक्सी फ्रैक्शंस यूज़ होते हैं। जो ये क्रिस्टलाइन वैक्स है ये बेसिकली जेल्स की रिजिडिटी इंक्रीज करने के लिए यूज़ होते हैं। और जो प्रोटो सब्सटेंस है जिन्हें हम जेलिंग एजेंट भी कहते हैं, जेल फॉर्मिंग एजेंट्स भी कहते हैं, ये जो है उन जेल्स की विस्कोसिटी और थिकनेस को इंक्रीज करता है और जेल्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह कुछ ऑर्गेनोजेल्स हैं जो कि हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, उसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि वाटर के साथ ईजीली इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल्स, हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल्स और कार्बोवैक्सेस, ये जो जेल्स हैं हाइड्रोफिलिक ऑर्गेनोजेल्स, ये 75% क्वांटिटी में वाटर के साथ ईजीली सॉल्युबल होती हैं और ये वाटर से ईजीली जो है इसको वॉश भी कर सकते हैं। और इनकी अपेयरेंस जो है वो हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनोजेल्स पेट्रोलेटम की तरह की होती है, लेकिन ये नॉन आयनिक होते हैं और स्टेबल होते हैं। अब हमने डिस्कस की इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जेल्स, इसके अलावा हाइड्रोजेल्स और ऑर्गेनोजेल्स। इसके अलावा भी जेल की एक टाइप है जिन्हें हम कहते हैं जेलीज। जेलीज बेसिकली जेल प्रोडक्ट हैं जो कि इसमें वो ऐसे डिस्पर्स फेस यूज़ होते हैं जो कि वाटर के साथ इंटरेक्ट करके जेल फॉर्म करते हैं।
और इसमें जो यूजुअली हम डिस्पर्स फेस या जेलिंग एजेंट यूज़ करते हैं उनकी एग्जांपल्स हैं ट्रैगाकैंथ और कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। इनको हम जो है एक्वस ड्रग सॉल्यूशंस के साथ मिक्स करते हैं और फिर जेल फॉर्म करते हैं। जेलीज जो होती हैं उनमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है, इसी वजह से उसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ और कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हम उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड करते हैं और उनको एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर करते हैं ताकि वाटर जो है उसमें से एवोपोरेट ना हो जाए। कुछ ऐसे डिस्पर्स फेस हैं, कुछ ऐसे जेलिंग एजेंट्स और कोलॉइड्स हैं जो कि सेल्फ डिस्पर्सिंग होते हैं, जो कि इजीली अपने डिस्पर्सिंग मीडियम के साथ डिस्पर्स हो जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं नेचुरल कोलॉइड्स, जैसे कि एकेशिया। और कुछ ऐसे कोलॉइड्स होते हैं जिनके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स और एक्स्ट्रा जो है प्रोसीजर्स यूज़ करने पड़ते हैं ताकि वो अपने डिस्पर्सिंग मीडियम के साथ इंटरेक्ट करें, उन्हें हम कहते हैं आर्टिफिशियल कोलॉइड्स। और कौन कौन से हम जो है उसमें प्रोसेसेस यूज़ करते हैं, उसमें हम करते हैं फाइन पुलवराइजेशन, जो कि कोर्स पार्टिकल को कोलॉइडल पार्टिकल रेंज में कन्वर्ट करना, यानी साइज रिड्यूस करना, जिसके लिए हम कोलॉइडल मिल्स और माइक्रो पुलवराइजर्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए उन्हें जो है उनकी अट्रैक्शन को अपने डिस्पर्जन मीडियम की अट्रैक्शन उनकी इंक्रीज करवाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ जेल्स एंड मैग्मास। हमारे पास तीन मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम जेल्स और मैग्मास को प्रिपेयर करते हैं। इसमें सबसे पहले है फ्यूजन मेथड। फ्यूजन मेथड में हम बेसिकली हाइड्रोकार्बन बैक्सेस की मदद से उनको नॉन पोलर मीडियम में जो है मिक्स करके जेल प्रिपेयर करते हैं। इस मेथड में हम हाइड्रोकार्बन बैक्सेस को हीट प्रोवाइड करके मेल्ट करते हैं और उस मोल्टन वैक्सेस के अंदर ड्रग सब्सटेंस डिसॉल्व करवाते हैं, और जब उनका टेम्परेचर जो है लो होता है तो फिर वो फाइनली यूनिफॉर्म जेल प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड इज़ कोल्ड मेथड। कोल्ड मेथड में हम वाटर को 4 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं और उनको ट्रांसफ़र करते हैं मिक्सर्स में, और विद कंटिन्यूस मिक्सिंग हम उस कोल्ड वाटर के अंदर जेलिंग एजेंट जो है वो डिसॉल्व करवाते हैं, और फिर उसका टेम्परेचर जो है हम below 10 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रखते हैं। जब तमाम जेलिंग एजेंट उसमें डिसॉल्व हो जाएगा तो फिर अब उसमें हम जो है ड्रग सब्सटेंस डिसॉल्व करवाएंगे विद कांस्टेंट स्टिरिंग, और फाइनली जब हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा तो उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे कंटेनर्स में और फिर उसको टेम्परेचर को राइज होने देंगे। जब तक रूम टेम्परेचर पे आएगा तो फाइनली जेल जो है यूनिफॉर्म जेल प्रोड्यूस हो जाएगा। देन थर्ड मेथड इज़ डिस्पर्जन मेथड। डिस्पर्जन मेथड में हम जेलिंग एजेंट को वाटर में डिस्पर्स करवाएंगे विद कांस्टेंट स्टिरिंग एट 1200 रोटेशंस पर मिनट फॉर 30 मिनट्स, और फिर साथ साथ हम नॉन एक्वस लिक्विड में ड्रग सब्सटेंस और प्रिजर्वेटिव को डिसॉल्व करवाएंगे। देन इस नॉन एक्वस सॉल्यूशन को हम अपनी एक्वस वाटर डिस्पर्जन में ऐड करेंगे और यूनिफॉर्मली उसको मिक्स करते जाएंगे ताकि एक यूनिफॉर्म जेल जो है वो प्रोड्यूस हो जाए। अभी हमने डिस्कस किया था कि हम आर्टिफिशियल कोलॉइड्स या लायोफोबिक कोलॉइड्स की अट्रैक्शन, उसके डिस्पर्जन मीडियम से उसकी अट्रैक्शन इंक्रीज़ करवाने के लिए हम डिफरेंट प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं, जिसमें हमने एक प्रोसीजर यूज़ किया कि उनके कोर्स पार्टिकल्स को कोलॉइडल पार्टिकल्स रेंज में उसका साइज़ रिड्यूस करें, और दूसरा हमने ये डिस्कस किया कि हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए कंट्रोल्ड रेट पे केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए उसकी अट्रैक्शन को इंक्रीज़ करवाएं।
तो कुछ मैग्माज और जेल्स जो कि इनऑर्गेनिक जेल्स हैं, उनकी प्रिपरेशन के लिए हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस यूज़ करते हैं, जिसमें हम कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को आपस में रिएक्ट करवाते हैं ताकि एक ऐसा इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म हो उन प्रेसिप ताकि उन प्रेसिपिटेट की वाटर के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा हो और उनके अंदर जेलेटिनस प्रॉपर्टी, जेल फॉर्मिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, हम एल्युमिनियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं और इस रिएक्शन में इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के, जो कि इजीली अपने सॉल्वेंट में जो है इंटरेक्ट करता है और जो है मैग्मास जो है प्रोड्यूस करता है। और सेकंड एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन की, जिसमें हम उस एजेंट को डायरेक्ट उस सॉल्वेंट के साथ, उस इनऑर्गेनिक केमिकल को उस सॉल्वेंट के साथ मिक्स करते हैं, जिस हाइड्रेट करते हैं उस डिस्पर्जन मीडियम में, ताकि एक फाइनल डिस्पर्जन जो है वो प्रोड्यूस हो जाए। इसकी एग्जांपल भी है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल्स। इसमें हम एल्युमिनियम ऑक्साइड को, इनऑर्गेनिक एल्युमिनियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, उसको वाटर में हाइड्रेट करते हैं ताकि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो और उनके ज़रिए हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल्स या मैग्मा इजीली प्रिपेयर कर सकें। अब जेल और मैग्मा एक ऐसा डिस्पर्स सिस्टम है जिसमें डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम के मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपस में इंटरेक्शन ज़्यादा है। हमने सस्पेंशन और इमल्जन डिस्कस किया। सस्पेंशन और इमल्जन के डिस्पर्स सिस्टम के मुकाबले में जेल और मैग्माज में डिस्पर्स फेस और मीडियम के दरमियान आपस में इंटरेक्शन ज़्यादा है। सस्पेंशन और इमल्जन के केस में डिस्पर्स फेस अपने कंटिन्यूस मीडियम से इजीली सेपरेट आउट हो जाता है, लेकिन जेल और मैग्मा के केस में डिस्पर्स फेस अपने मीडियम के साथ इतना ज़्यादा हाई डिग्री अट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है कि वहाँ इजीली जो है वो फेस सेपरेट नहीं होता। लेकिन ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड स्टोरेज, कुछ डिस्पर्स फेस जो है जेल और मैग्मा के केस में वो सेपरेट होके सेडिमेंट हो जाता है और उसका सुपर नेट्रेंट जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है डिस्पर्जन मीडियम का। तो फिर यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेज के लिए हम जो है उस प्रिपरेशन को शेक करते हैं और वो जो सुपर नेट्रेंट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी आपका जो डिस्पर्स फेस है वो सेडिमेंट हो रहा है और डिस्पर्जन मीडियम जो है वो सुपर नेट्रेंट की फॉर्म में सेपरेट हो रहा है, वो इजीली जो है शेक करने पे दोबारा रीडिस्पर्स हो जाता है। तो हम इन प्रिपरेशन के लेबल पे एक टर्म लिखेंगे शेक वेल बिफोर यूज़, ताकि डोजेज की यूनिफॉर्मिटी जो है वो मेंटेन रहे। देन यूजेज एंड एग्जाम्पल्स ऑफ जेल्स एंड मैग्माज। जेल्स जो हैं यूजुअली कैथेटर्स को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड जेल्स जो हैं वो कार्डियोग्राफी ECG इसमें भी यूज़ होते हैं। बेंटोनाइट मैग्मास जो हैं वो एज अ सस्पेंडिंग एजेंट यूज़ करते हैं हम डिफरेंट प्रिपरेशंस में। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड एंड फॉस्फोरिक एसिड जेल्स को हम डेंटल केयर्स में यूज़ करते हैं। एरिथ्रोमाइसिन एंड बेंजोइल पर ऑक्साइड टॉपिकल जेल और क्लाइंडामाइसिन टॉपिकल जेल और क्लाइंडामाइसिन एंड बेंजोइल पर ऑक्साइड टॉपिकल जेल्स को हम ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। ये बेसिकली हमारे पास एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, जो कि एक्नी के ट्रीटमेंट पे हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा एल्युमिनियम फॉस्फेट जेल्स और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल्स और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्मा है, इन्हें हम एंट एसिड के तौर पे यूज़ करते हैं। यहाँ हमारा जो है जेल्स एंड मैग्मास का टॉपिक कंप्लीट होता है।
जो कि डिस्पर्स सिस्टम की थर्ड टाइप है, थर्ड एग्जांपल है।